रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए 500 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये किसी अंजाम तक पहुंचता नहीं दिख रहा है। दिन ब दिन मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। शुरुआती दिनों में रूस अपने हमलों से यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी दिखा था, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह से यूक्रेन को बाहरी मदद मिलती गई, उसके तेवर में भी बदलाव नजर आता गया। अब तो यूक्रेन खुला खेल खेलने के मूड में नजर आ रहा है। खबर है कि पहली बार यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने पिछले साल 2022 में केच ब्रिज पर हुए हमले में अपना हाथ होना स्वीकार कर लिया है। ये पुल पिछले साल अक्टूबर में एक ट्रक में रखे बम में विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल पर सड़क और रेल यातायात दोनों का आवागमन होता है। क्रीमिया को क्रास्नोडार से जोड़ने वाला ये पुल यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करता है। तब रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने यूक्रेन पर ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर पुल पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया था। हालांकि उस दौरान कीव ने हमले के पीछे अपना हाथ होने से पूरी तरह से इनकार किया था, लेकिन अब उसी हमले को लेकर उसकी तरफ से अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोलते हुए यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिल माल्युक ने कहा कि हमले के पीछे उनकी एजेंसी थी, हम जीत के बाद उनमें से कुछ के बारे में सार्वजनिक रूप से और जोर से बात कर पाएंगे। वैसे यहां ये भी बता दें कि हाल ही में 17 जुलाई को उसी पुल पर फिर से दो हमले हुए थे। इस बार पुल के निचले हिस्से में समुद्री ड्रोन से हमला किया गया था। हमले में एक नागरिक जोड़े की मौत हो गई और उनकी बेटी भी घायल हुई थी। इसके लिए एक यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारी ने CNN को बताया कि कीव जिम्मेदार है, लेकिन मल्युक ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि हालिया हमले के पीछे कौन था। लेकिन पहले हमले की जिम्मेदारी के बाद इस बात की भी संभावना प्रबल हो गई है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन दूसरे हमले पर भी हामी भर देगा। वैसे हाल ही में दूसरी बार हुए ब्रिज विस्फोट के बाद रूस का गुस्सा खुले तौर पर जाहिर हुआ था, और तब पुतिन ने कहा था कि यूक्रेनी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। तब तो फिर भी यूक्रेन की तरफ से इन हमलों को लेकर चुप्पी थी, लेकिन अब यूक्रेन स्वीकार की मुद्रा में है। ऐसे में देखते हैं कि रूस किस तरह से पलटवार करता है।